हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग है हमारी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर्स के मन में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस है, तब उनके मन में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंड वो आपको क्या कहना चाहते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। जरूरी नहीं है सबसे पूरी रेजोनेट करे, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड बची हुई को जाने दें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं और देखते हैं हमारे डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लाए हैं, कि आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर्स के मन में अभी क्या चल रहा है? ओम नमः शिवाय। गिल्ट। आपके पर्सन के मन में चल रहा है गिल्ट। आप दोनों के रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं, जो बिगड़ गई हैं या फिर जो नहीं सुधर पा रही हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि सारी ही सारी गलती उनकी थी। उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ रही हैं, उन्हें अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। वो ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते की नाकामयाबी के लिए वो जिम्मेदार हैं। वो अपने बालों को पकड़ के बैठे हैं और सर पकड़ कर बैठे हैं। उनका मन कर रहा है कि अपने ही बाल वो नोच लें, क्योंकि उन्हें खुद पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप जोडियक साइंस के बारे में पूछें, वैसे तो सभी जोडियक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट है जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस। अभी आगे भी जो जो जोडियक साइन प्रोमिनेंट आएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। नेक्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस। उनका मानना है कि उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से एक बहुत ही निर्दोष आत्मा को दुख दिया है, पेन दिया है, एक ऐसे पर्सन को रुलाया है जिसने उन्हें बहुत प्यार किया है। उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है फ्रेंड्स, और इस दुख का जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं। उन्हें अपने दोष, अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक समझ में आ चुकी हैं। उन्हें खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इतनी गलतियां करके अब वो क्या करें और इनको कैसे सुधारें। अगर समटाइम आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पार्टनर्स को उनकी गलतियों का अंदाज़ा है, तो ऑब्वियसली है, और बहुत ज़्यादा वो खुद को कसूरवार भी ठहरा रहे हैं और खुद से गुस्सा भी हैं। इस टाइम उनका झगड़ा किसी और से नहीं, खुद से है। आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पर्सन से कुछ गलतियां हुई हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को उन गलतियों का रिग्रेट है। पॉसिबिलिटी, वो आपको काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे हैं। और वो क्यों स्टॉक कर रहे हैं? क्योंकि वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, एक नई ग्रोथ चाहते हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, सो दैट अगर वो वापस आते भी हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन पे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पर्सन ना फूंक फूंक के कदम आगे रख रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में औरों से पूछ रहे हों कि अभी भी आपको उनका वेट है या नहीं, या फिर आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं, या फिर डेली आपकी एक्टिविटीज़ नोट कर रहे हों कि आप अभी भी उन्हें कितना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। वो आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में लौट कर वापस आना चाहते हैं, इनोसेंटली सॉरी बोलना चाहते हैं। और आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, डीले हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, इस वजह से जो गलतियां आपके पर्सन की हैं उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और रिग्रेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब उनसे और पोस्टपोनमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही, वो इस पोस्टपोनमेंट को ओवर कर देना चाहते हैं, इस डीले पीरियड को वो और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो जैसे उड़कर आपके पास आना चाहते हैं और पलक झपकते ही सारी सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं। लेकिन गिल्ट का कार्ड, पोस्टपोनमेंट का कार्ड, इनोसेंस का कार्ड ये बताता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से आपके पास आए।
तो वो एक मौके की तलाश में है, जब उनको लगे कि आपका मूड अच्छा है या आप उन्हें डांटोगे नहीं और उनको एक्सेप्ट कर लोगे, उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। इनोसेंट वे में कहना चाहते हैं कि सारी गलतियों की जिम्मेदारी उन्हीं की है, वही रिस्पॉन्सिबल हैं और अब ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत निर्दोष हो, आपने तो अपना बेस्ट किया है, उन्हें अनकंडीशनल लव किया है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की नाकामयाबी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन हैं। एरीज, लियो, सैग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं यहाँ पर, वो ये समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें बहुत चाहते थे, चाहते हो और चाहते रहोगे। साथ ही में वो ये भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कदम नहीं ले पाए, या फिर एक कदम ऐसा जो अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरा नहीं हो पा रहा। आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, चीज़ें डीले और पोस्टपोन हो रही हैं, या फिर आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। सिर्फ वन स्टेप दूर है आप दोनों की विश पूरी होने के ये पर्सन, और वो वन स्टेप लेने में इस पर्सन ने बहुत देर लगा दी है। क्यों देर लगा दी है? हो सकता है आप लोगों के पर्सन को लगता हो कि उनकी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन जब आपसे दूर हुए तो उन्हें समझ में आया कि ये अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है, और इतना ज़्यादा प्यार है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, और उनका ये हाल हो गया। छोटी सी उम्र में ऐसा लगता है जैसे उनको जीने की इच्छा ही नहीं रही है। अब हम चेक कर रहे हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आप बोलोगे सभी साइंस प्रोमिनेंट हैं, यस सभी साइन प्रोमिनेंट हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, वो आपको कहना चाहते हैं वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और बहुत जल्दी नेक्स्ट 3 to 4 weeks, 3 to 4 months या 3 to 4 days में आपको उनका एक्शन रिसीव हो सकता है। और चेक करते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी उससे वो फाइट करेंगे और आप दोनों के रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे। वो आपको कहना चाहते हैं कि अब उन्हें किसी का डर नहीं है। वो आपको कहना चाहते हैं कि वो हर एक नेगेटिव सिचुएशन से फाइट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि अब उन्हें आपकी तरफ बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से मैसेजेस हैं उनके तरफ से आपके लिए। अब हम चेक करेंगे उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड कब तक होगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, 3 to 4 months, 3 to 4 weeks या 3 to 4 days में आपको कुछ रिसीव हो सकता है उनकी तरफ से। नेक्स्ट मूव है सोरो, वो आप बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। इमीडिएट नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि वो आपके लिए बहुत तड़पने वाले हैं और उनको लगने वाला है कि अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। उनके अंदर आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी जनरेट होने वाली है। आफ्टर दैट वो पर्सन हील होने वाले हैं और नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए रेडी होने वाले हैं। कंट्रोल का कार्ड मुझे ये बताता है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। तो अगेन वही टाइम पीरियड आ रहा है, 3 to 4 months, 3 to 4 weeks, 3 to 4 days, जब ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, आपके सामने अपना दिल खोल के रख सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और ऑब्वियसली इनका इमीडिएट, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि आपके लिए इतना तड़पने वाले हैं कि वो तड़प को रोक ही नहीं सकते, और डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे या वो एक्शन लेंगे जिसका आपको काफ़ी टाइम से वेट था। अब मैं चेक कर रही हूँ आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सुझाव है, क्या गाइडेंस है। फ्लावरिंग, आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लुक और अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, खुद को एकदम इम्प्रूव करके रखना चाहिए, सो दैट ये जो 3 to 4 months का टाइम है ये बहुत जल्दी जल्दी कट जाए। और शायद आप खुद पे वर्क करेंगे तो ये 3 to 4 months ना 1.5 से 2 महीने में
बदल जाएंगे, दैट मीन्स और टाइम फ्रेम कम हो जाएगा। अगर आप एग्जॉशन में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, 24/7 इनके बारे में सोचते रहते हैं, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए। सप्रेशन, आप लोगों का टफ साइकिल ऑलमोस्ट ओवर होने को है। क्यों ओवर होने को है? यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर है, तो डेफिनेटली टफ साइकिल ओवर होने को है और बहुत जल्दी इस कनेक्शन की नई शुरुआत होगी। लेकिन इस टफ साइकिल को ओवर करने के लिए पहला स्टेप आपको लेना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, खुद पे वर्क कीजिए, खुद की हेल्थ वेल्थ और करियर को इम्प्रूव कीजिए, खुद के लुक पे ध्यान दीजिए, खुद के लिए कुछ नए नए प्लान बनाइए और उनको उन पे वर्क कीजिए। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बॉटम में है आपके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट बिंगो कार्ड, ये है मास्टर। मास्टर का कार्ड ये बताता है डिवाइन की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। सो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। कमेंट करके जरूर बताएं आपसे कितनी रेजोनेट की है। एंड फॉर मोर क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वो फ्री नहीं होती हैं, पेड होती हैं, और व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके आप बुक करवा सकते हैं।